हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और आप सबका मेरे विलेज रूफ टॉप गार्डन या देसी मुरी फार्मिंग चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा एक स्पेशल रूम है जो कि टेरेस पे है मेरा, और बाहर अपना मुर्गी का सेटअप वगैरह है। तो ये देखिए, इस रूम के अंदर मैंने सब मुर्गी के मेडिसिन वगैरह ये सब रखी हुई है, फीड वगैरह रखी हुई है, दलिया वगैरह से सब, अंडे वगैरह सब रखे हुए हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये मैंने जो चिक्स थे, छोटे देसी चिक्स थे, आज 10 दिन के हो चुके हैं। तो इनको मैं आज ऊपर लेके आ चुका हूँ। नीचे थोड़ा मतलब इनकी बीट की बदबू होने लग गई थी, तो मैं ऊपर ही लेके आ गया। तो वो सब इनक्यूबेटर का, पुराना इनक्यूबेटर का रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये सब दलिया वगैरह, ये इनकी फीड वगैरह रखी हुई है। तो चलिए आज इनको खोल के आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, इनके अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको। ये देखिए, काफ़ी एक्टिव हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, सभी एक साथ इकट्ठा हो गए, मेरे आवाज़ से थोड़े डर रहे हैं। ये इनकी फीड रखी हुई है, ये पानी रखा हुआ है, आज इनकी सफाई की है। लगभग 10 दिन बाद में इनकी पूरे की सफाई की है मैंने। देख सकते हैं आप, इनके चारों साइड से पूरा ये सब मैंने निकाल दिया है, मतलब जो बीट वगैरह का था सब भूसा वगैरह निकाल दिया और नया भूसा वगैरह इसके अंदर डाल दिया है, ताकि अच्छे से सफाई रहे, गंदगी ना बने। और गंदगी से क्या होती है, इनके अंदर बीमारियाँ आ जाती हैं, सीआरडिकोराइजा वगैरह, तो सांस की बीमारी वगैरह सब कुछ इनकी बीमारियाँ आ जाती हैं। बाकी अपने देख सकते हैं, 47 बच्चे हैं अभी तक, एक भी मोर्टलिटी नहीं हुई है, मतलब एक भी बच्चा नहीं मरा है, सभी के सभी एक्टिव हैं। और आज 10 दिन के बाद मैंने इनको न्यूडॉक्स पाउडर दिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं कोई भी वेटनरी का डॉक्टर वगैरह नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको ये दवाई वगैरह सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये मैं अपनी मुर्गियों को देता हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ में सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये दिया है, वैसे तो देना चाहिए लैक्सिन पाउडर वगैरह या टेट्रासाइक्लिन देनी चाहिए, लेकिन मेरे पास में वो अवेलेबल नहीं थी अभी। और तो मैंने ये देख सकते हैं आप, ये न्यूडॉक्स पाउडर है, ये दे दिया था मैंने इनको, बच्चों को सबको। तो इसके ऊपर सब क्वांटिटी वगैरह सब कुछ लिखी हुई है, और ये किस किस बीमारी के लिए काम में आता है वो सब भी आप देख सकते हैं। तो आप ये वेटनरी की शॉप पे मिलता है ये सब, ठीक है। बाकी इन मेडिसिन पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, तो देख लीजिए, ठीक है। बच्चे वगैरह अभी सभी एक्टिव हैं, दाना पानी अच्छे से खा रहे हैं, लाइट बल्ब लगा रखा है, अच्छे से अंदर हीट बनी हुई है, तो ब्रूडिंग इनकी अच्छे से चल रही है, ब्रूडर भी अच्छे से काम कर रही है। तो वो इससे पहले मैंने इनको क्या क्या दिया था वो बता देता हूँ, ये सब मैंने मतलब जो पिछले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, उन सब में मैंने डिटेल से बता दिया है। और मैंने अभी क्या क्या दिया था मैं खुद ही याद नहीं है मेरे को, कौन से दिन पर क्या क्या दिया था। तो मेरे को जैसे ज़रूरत लगती है वैसे इनको देता हूँ मल्टीविटामिन एंटीबायोटिक, और अभी इनको एंटीबायोटिक दे रहा हूँ 10वें दिन, क्योंकि आज बहुत ठंड है और रात को लाइट बल्ब फ्यूज़ हो गया था, तो ये कहीं बीमार ना हो जाए, थोड़ी ठंडी वगैरह शिकायत ना हो जाए, इसके लिए मैंने इनको थोड़ा थोड़ा मतलब पहले ही इनको न्यूडॉक्स दे दिया। 2 दिन इनको ये एंटीबायोटिक देंगे, फिर 4-5 दिन तक कुछ नहीं देंगे, फिर मल्टीविटामिन देंगे, ठीक है। तो इसलिए लंबी बीच में कट कट होकर वीडियो आती है इनकी काफ़ी दिन बाद में। तो आज ये 10 दिन के बच्चे हैं, देख सकते हैं पूरे एक्टिव हैं, थोड़ी ठंड लग गई है, थोड़े डरे हुए हैं, मैंने खोल दिया है पूरा। तो चलिए, ये भी ब्रूडर की हीट कम ना हो जाए तो वापस इनको बंद कर देते हैं। तो देख सकते हैं मैंने ऊपर से कपड़े से ढका है, कपड़े से इसलिए ढका है ताकि अंदर गैस ना बने, कपड़े के अंदर से गैस आर पार हो जाती है, जो इनकी गैस होती है वो बाहर निकल जाती है और हीट भी अंदर बनी रहती है, अंदर ठंड नहीं होती है, इसलिए ऊपर कपड़े से ढका हुआ है मैंने। तो ये अपना ब्रूडर है, ये लगभग 3 फीट लंबा और 1.5 फीट चौड़ा है, तो इसमें 50 बच्चे इजीली आ सकते हैं। तो लगभग 20 दिन तक हम 50 बच्चों को इसमें पाल सकते हैं आराम से, 3x1.5 के ब्रूडर में। 3x2 का ब्रूडर होगा तो थोड़े 1-2 दिन ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 3x1.5 का अच्छा रहता है, हीट अच्छी बन जाती है, गोल ब्रूडर भी चल जाएगा, स्क्वायर ब्रूडर भी चल जाएगा, बस उसमें हीट अच्छी बनी रहनी चाहिए। हीट अच्छी नहीं बनेगी तो बच्चे कोने में चिपकने लग जाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन अपने में हीट अच्छी बन रही है और देसी मुर्गी के बच्चे जल्दी से मरते नहीं हैं, प्योर हरियाणा ब्रीड के देसी बच्चे हैं ये, ठीक है फ्रेंड्स। अभी थोड़ा सा खोल के आपको दिखाता हूँ एक साइड कोने से, ये देखिए सभी एक्टिव हैं, कोने से हट गए हैं, दाना पानी पी रहे हैं, फीड वगैरह खा रहे हैं,